हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीसी के अपडेट के बारे में। काफी टाइम से अपडेट आ रही थी कि डीसी की जो अपकमिंग मूवी आ रही है बैट गर्ल, वो इस साल रिलीज होगी, यानी कि साल 2022 में दिसंबर के महीने में। पर VFX अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और अपडेट ये आ रहा है कि ये मूवी डिले हो सकती है और इस मूवी को रिलीज करा जाएगा साल 2023 में। चलिए बात करते हैं मार्वल और डिज्नी प्लस की सीरीज मिस मार्वल से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो फाइनली इसकी फाइनल रेटिंग आ चुकी है, जो कि 98%। क्या आपने अभी तक ये सीरीज देखी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके साथ बात करते हैं एक रूमर लोगों के बारे में। तो वेयरवुल्फ, जो कि एक अपकमिंग टीवी शो आ रहा है, इसका एक एपिसोड रिलीज होगा अराउंड 40 मिनट का और कह रहे हैं कि ये ऑफिशियली लोगो है, पर कोई नहीं, सैन डिएगो कॉमिक कॉन आने वाला है, वेट करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है मार्वल से रिलेटेड। तो फाइनली मार्वल की जो अपकमिंग नई मूवी आ रही है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, उसमें एक कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है जो कि नहीं होने वाला है, वो है डेनियल, क्योंकि ये अपनी अपकमिंग मूवी नोप में व्यस्त हैं, तो ये वकांडा फॉरएवर में रिटर्न नहीं हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक रूमर के बारे में, जो कि है काफी कमाल का। तो फाइनली स्टीफन, जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है, अपडेट ये आ रहा है कि ये शायद मे बी पॉसिबली फैंटास्टिक फोर को डायरेक्ट कर सकते हैं। होपफुली अगर ये सच हो तो लिटरली मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो भाई शी हल्क का न्यू स्टाइल में सामने आई है, जिसमें कि थोड़ा VFX में सुधार नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में, जो कि है लोकी सीजन 2 से। तो फाइनली लोकी न्यू मिशन पर दिखाई गए हैं, जो कि मैकडोनल्ड के आसपास घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मैकडोनल्ड का बहुत ही तगड़ा प्रमोशन चल ही रहा है और उसी के साथ ब्रांड न्यू सेट इमेजेस आई है मैडम वेब की। तो मैडम वेब की इन सेट इमेजेस को देख के लग रहा है कि भाई सैमी रेमी की स्पाइडरमैन मूवी का सीन तो होने ही वाला है, ऐसा लग रहा है देख के। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि जो थीम है वो बिल्कुल डिट्टो स्पाइडरमैन मूवी जैसा ही है। उसी के साथ आई एम ग्रूट का न्यू पोस्टर रिलीज करा गया और बताया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा कंट्रीज में और सिटीज में ये सीरीज थिएटर में रिलीज होने वाली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो फाइनली लोकी सीजन 2 में ये अपडेट आ रहे हैं, कंफर्म बताया जा रहा है कि आपको थॉर भी देखने को मिलेगा, होपफुली शायद मे बी एक कैमियो हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है अपकमिंग जो फैंटास्टिक फोर मूवी आ रही है, उसमें ज्यादातर रीड रिचर पर ही फोकस करा जाएगा और उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा। ये ज्यादा काफी कमाल का है, क्योंकि आने वाले टाइम में टीम तो बिल्टअप होगी और रीड रिचर उसको बनाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो फाइनली कैप्टन अमेरिका 4 ऑफिशियली तो अनाउंस होने वाली है और साथ ही साथ उनका एक न्यू बैनर भी सामने आया है, जिसमें कि हमें कॉस्ट्यूम भी उनकी क्लियरली नजर आई है, आप खुद देख सकते हैं। तो गाइस ये थे वो काफी कमाल के अपडेट। उसके साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन बहुत ज्यादा नजदीक है और मैं तुरंत फटाफट अपडेट वहां पे रेगुलरली डाल रहा हूं।